तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फेरांस ओरल सस्पेंशन के बारे में। इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में जब उन्हें खून की कमी रहती है, आयरन की या विटामिन B12 की कमी रहती है, या जैसे फोलिक एसिड की कमी रहती है, तब दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, कैसे आपको लेना है, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, और जैसे अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेरल ओरल सस्पेंशन, जो फेरांस ओरल सस्पेंशन है, इसे हेगड़े हेगड़े फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। और जैसे कि इसके अंदर जो ऐड किया गया है मॉलिक्यूल है फेरांस ओरल सस्पेंशन के अंदर, वो आयरन 32.8 mg है, साइनोकोबालामाइन 7.5 mg और फोलिक एसिड 0.5 mg है। इसका जो पैक है 200 ml का, कॉस्ट है 130 रुपया। आप ये जो देख रहे हैं ये सैंपल पैक है, इसे आप खरीद नहीं सकते, खाली फिजिशियन सैंपल है तो डॉक्टर को दिया जाता है। तो फेरांस ओरल सस्पेंशन है, इससे आप बच्चों को तभी देंगे जब बच्चों में जैसे कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन्हें फोलिक एसिड की कमी है, विटामिन बी की कमी है, या जैसे कि ब्लड की कमी है, तब दिया जाता है। ये जो इसके अंदर आयरन है, ये जो कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करता है, जिसकी वजह से बच्चों में जो रक्त की कमी रहती है वह दूर होती है, और जो उनका ऑक्सीजन कैरियरनेस रहता है, जो ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके अंदर जो साइनोकोबालामाइन है, ये विटामिन B12 में हेल्प करता है, जैसे कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है विटामिन की। और फोलिक एसिड इसके अंदर रहती है, हेल्प करता है जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, जो काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है बच्चों की इम्यूनिटी के बूस्ट होने में। आप जैसे कि इसे ना देखे, आप नेचुरल वे से भी बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, उन्हें अच्छे से रख सकते हैं। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं बच्चों में खाने में, जैसे मीट, एग और ब्रोकली यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको बच्चों में रिच फूड रहता है, जैसे यानी बच्चों को जो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर करता है वो भी। तो इसका अगर डोजिंग के बारे में बात करें तो 5 ml ट्वाइस डेली देना है, और इसका जो कि दांत से थोड़ा सा दूर रखें, मतलब डायरेक्ट पिलाएं बच्चों को और उसके बाद पानी पिलाएं, नहीं तो क्या होगा, बच्चों का थोड़ा सा कालापन देखने को मिलेगा दांत में, क्योंकि आयरन ऐड किया गया, इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो साइनोकोबालामाइन है, तो ये चिलेट फॉर्म में, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन जो रहता है वह नहीं होता है। और इसके अंदर जैसे कि बच्चों में जो फ्लैटुलेंस वगैरह बनती है वह नहीं बनेगा। तो आप सुबह और शाम दे सकते हैं 2 टाइम। अगर आप इसे देना चाहते हैं बच्चों में, तो एक बार डॉक्टर से भी आप इसके बारे में कंफर्म करें, सलाह लें, उसके बाद ही दें आप। तो फेरांस अगर आपने कभी परचेस किया है या डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया बच्चों में, तो आपने उसको पिलाए तो क्या बेनिफिट्स मिले, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसे लेंगे बच्चों में देंगे तो डायरेक्टली नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो उन्हें बार बार बुखार या सर जुकाम हो रहा था वह कम हो जाता है उनमें। तो अगर आप चैनल पे और वीडियो पे पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं लाइक करके, और जैसे कि इनकरेज करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका डाउट हो तो कमेंट पिन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।